देखिए बच्चों, क्लास 10 चैप्टर 12 पृष्ठी क्षेत्रफल और आयतन 12.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या है, कोई ये देखो, ये बनता है खोखला अर्धगोला कटोरी के आकार का, भगवान के नाम पे दे दे रहे बाबा, है ना, कटोरी के आकार का है ना। इसके ऊपर क्या है, खोखला बेलन अध्यारोपित है, उसके ऊपर बेलन रखा हुआ है। क्या रोटी बनाने वाला बेलन? नहीं, एक बेलन ऐसा रखा हुआ है। ठीक है, ये बेलन रखा हुआ है इसके ऊपर, ये देखो, ये भी खोखला है, ये भी खोखला है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कोई बर्तन है खोखले अर्धगोले के आकार का है, अर्धगोला बना दिया, उसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित कर दिया। अर्धगोले का व्यास सबसे पहले जब सॉल्व करें तो व्यास या डायमीटर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, अब उससे हम निकाल लेंगे इसकी त्रिज्या, तो इसमें 2 से भाग लगा देते हैं। त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है ना, रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है, तो ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर रेडियस कौन होती है, तो इसके अंदर रेडियस एक तो यहाँ से लगा करके यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, और एक यहाँ से लगा करके यहाँ तक की डिस्टेंस भी होती है। तो ये इसकी त्रिज्या हो गई, मतलब इस खोखले गोले की ऊंचाई हो गई है। ठीक है, तो आर का मान हो गया यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। फिर आगे बोल रहा है इस पात्र या बर्तन की कुल ऊंचाई, इस पात्र या बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, का मतलब यहाँ से लगा करके यहाँ तक कितना है, 13 सेंटीमीटर है। अब हमें ऊपर बेलन दिख रहा है, तो इस बेलन बेलन की ऊंचाई भी तो चाहिए, बेलन बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो वो होगी यहाँ से लगा करके यहाँ तक। कैसे निकालें, तो हमें लिखेंगे, तो बताओ h बराबर क्या है बेलन की ऊंचाई, तो टोटल कितनी है, 13 है, उसमें से 7 को माइनस कर दो, इस पूरे 13 में से इस 7 को माइनस कर दो, कौन कौन सा आ जाएगा, ऊपर की ऊंचाई आ जाएगी, तो 13 - 7 यानी कितना, 6 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर। फिर आगे बोला है तब इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये जो बर्तन है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, तो इस बेलन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, तो दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ दिया है ना, एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि इसके अंदर सिलेंडर भी दिख रहा है और हेमिस्फीयर भी हमें दिख रहा है। अब इनके फॉर्मूले रख दो, ये होता है 2πRh बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का होता है 2πr2। ठीक है, अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, तो हमें दिख रहा है देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया, पाई कॉमन आ रहा है, पाई को कॉमन ले लिया, आर कॉमन आ रहा है, आर को कॉमन ले लिया, बचा कितना एच। अब यहाँ देखना 2πr को कॉमन ले लिया, आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आर बचेगा, तो ये देखो 2π की वैल्यू 22/7 22/7, आर का मान कितना है यहाँ पर, तो आर का मान हमने निकाला है 7, एच कितना निकला है, तो देखो 6, फिर आर कितना है, फिर से आर का रख दो 7। ठीक है, देखो ये 7 से 7 कट गया, 2 का 22 में गुणा कर दो, 22 × 44 गुणा इन दोनों को प्लस कर दो, 6 और 7 कितना होता है, 13 होता है। ठीक है, अब इनका क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो क्या आ गया 572 सेंटीमीटर की घात 2। अतः इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 572 सेंटीमीटर की घात 2 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे आसान।